नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम है विश्वजीत और आप लोग देख रहे हो विश्वजीत मिक्सटेक निकल। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये वीवो का मोबाइल है, इसको हार्ड रीसेट करेंगे अभी। हाँ, प्लस की और पावर की को दबा के कंटिन्यू रखना है, तो वीडियो पूरा देखना। इसमें हार्ड रीसेट भी करके दिखाएंगे और इसका गूगल अकाउंट FFP भी बाईपास करके दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो वॉच करना, एक भी पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा। तो माइनस की दबा के आना है रिकवरी मोड पे, आप लोगों को तो पता ही है शायद। तो रिकवरी मोड में आने के बाद मैं दिखाता हूँ पावर की दबा के कंटिन्यू करना है, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा ऑटोमेटिक ऑप्शन बहुत सारा, पूरा वीडियो देखना फ्रेंड, ठीक है? FFP भी बाईपास करके दिखाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन खुल गया, तो हम लोगों को क्लियर डाटा करना है, क्लियर ऑल डाटा करना है, ओके करना है, ठीक है? कोई भी पासवर्ड नहीं मांगेगा फ्रेंड। देखो फ्रेंड, डेटा क्लियर हो रहा है 100% में, ओरिजिनल ट्री है, ठीक है? कोई भी फेक नहीं है, वीवो का मॉडल है Y21, तो डाटा क्लियरिंग हो रहा है। और क्लियर होने के बाद मोबाइल ऑटोमेटिक बंद होकर ऑन नहीं होगा, हम लोगों को करना पड़ेगा, दिखाता हूँ मैं। थोड़ा टाइम लगता है तो वेट कर लेना, ठीक है? अब ये रिटर्न का ऑप्शन आया, रिटर्न में टच टैप करना है, पावर किसे नहीं होगा तो जो रिटर्न नहीं होगा इसमें, हाँ तो देखो फिर नहीं होता है, तो हम लोगों को रिटर्न जो ऑप्शन है इसमें टैप करना है, उसके बाद बैक करना है, उसके बाद रिबूट, ठीक है? तो रिबूट करना है, तो रिबूट करने के से मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो जो पासवर्ड लगा हुआ था वो तो हट चुका है अभी, ठीक है फ्रेंड? तो मोबाइल ऑन होना है, ऑन होने में टाइम लगता है इतना। तो बाजू बताया को पासवर्ड हट चुका है, लेकिन इसमें एक FRP लग जाएगा 100%। तो आप लोगों का पासवर्ड पता है तो आपका प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं FRP भी बाईपास करके दिखाऊंगा, पहले इसका मैं FRP लगा है नहीं लगा है वो कंफर्म करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कोई भी डाउट नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ कि इसमें तो FRP था ही नहीं। तो मैं पहले FRP है ना नहीं है, गूगल अकाउंट है ना नहीं है, मैं वो दिखाऊँगा, फिर वही गूगल अकाउंट को FRP को कैसे बाईपास करना है, रिमूव करना है, वो भी दिखाऊंगा। सिंपल ट्रिक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, फिर ट्रिक को यूज़ करना। अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगी, नहीं सीख के करोगी तो बीच में फंस जाओगी, तो अटक जाओगी, तो नहीं होगा। तो मैं वाईफाई कनेक्ट करके आगे को प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि वाईफाई नहीं देंगे तो आगे नहीं जाएगा, तो आप लोगों को पता ही है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो डोंट कॉपी, पूरा वीडियो देखना फ्रेंड, ठीक है? क्योंकि इसमें ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो नहीं देखोगी तो नहीं होगा। हाँ, तो पासवर्ड मांग रहा है और इसमें यूज़ गूगल अकाउंट मांग रहा है, तो दोनों पता है तो आप लोग ये वीडियो स्किप करके जा सकती हो। अगर पता नहीं है तो बाईपास कैसे करेंगे वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा। देखो फ्रेंड, यहाँ पे जो जीमेल अकाउंट था PBS वाला वही दिखा रहा है हा? तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ अभी। तो एक भी और एक चीज़ में दिखाता हूँ, यहाँ पे जो वॉइस कमांड का ऑप्शन है वो यहाँ पे डोंट देखो फिर नो परमिशन, मतलब वॉइस जो वाला ऑप्शन था वो नहीं काम करेगा, तो कुछ भी लिखना है। लेकिन बाद यहाँ पे वेब सर्च, हाँ वेब सर्च पे आना है, अलाउ करना है, बॉक्स में क्लिक करके एग्री करना है। तो वीवो का जो ब्राउज़र है ऑफिशियल ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, यहाँ पे टाइप टच सर्च करना है FRP फाइल, तो फर्स्ट वाला जो लिंक है इसमें टैप करना है। टैप करने के बाद हम लोगों को सिंपल से कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेटिंग्स में जाना है, हाँ। तो मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम लोगों को सेटिंग्स में जाना है। तो सेटिंग्स का जो ऐप है इसमें ओपन में करना है, ठीक है? सेटिंग्स में नहीं होगा, ओपन में होगा, हाँ ओपन में हो गया, अलाउ करना है बस। देखो प्रिंट, मैं पहले मॉडल दिखाता हूँ, प्रिंट वीवो देखो Y21 मॉडल दिख रहा है, ठीक है? ये 100% 11 है, ठीक है फ्रेंड? तो मैं इसको दिखाऊंगा, सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जाने के थोड़ा स्क्रॉल करके क्लोन जो है ना, फोन क्लोन, इसमें टैप करना है और डिग्री करना है। अभी होता है ट्रिक शुरू। देखो फ्रेंड, फ़ोन क्लोन जो है इसमें तो न्यू फ़ोन देखे, एंड्रॉयड वर्सन देखे, ऑन कर लिया, ओके कर लिया। तो दूसरा मेरा फ़ोन है, इसमें भी अलाउ कर देना है, हाँ। दूसरा वाला फ़ोन में भी सेम ऐप मैं पहले से इंस्टॉल कर लिया हूँ, आप लोग भी इंस्टॉल कर लेना, इजी क्लोन।
तो इसी का शेयर जो ऑप्शन है वो मैं इसमें शेयर करूँगा। जो फाइल वो भी इसमें जो पहले डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को क्विक शॉर्टकट में कर, ठीक है। तो नहीं हो रहा, मैं सेटिंग्स में जाऊँगा। इसका एक सेटिंग्स है वो डाटा सेविंग्स, वो ऑन कर दिया, ठीक है। अभी शायद हो जाएगा, तो मैं देखा तो हाँ QR कोड जनरेट हो गया फ्रेंड। तो अभी इस QR कोड को स्कैन करके ले लेना है और उसके बाद वहाँ पे जो मैं डाउनलोड किया हूँ क्विक शॉर्टकट मेकर वो इसमें दे देना है। स्कैन करके पहले करना है, उसके बाद इसको शेयर कर देना है। ये जो ऐप है शेयर वाला, इजी शेयर, तो इजी शेयर वाला जो ऐप है इसमें ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसमें इंस्टॉल नहीं होता डायरेक्ट, तो इस ऐप के मदद से होगा। तो इसलिए इस ऐप दूसरा फ़ोन चाहिए, इसमें फ़ोन से आपको स्कैन कर ले ये डाउनलोड कर लेना है पहले, और क्विक शॉर्टकट मेकर को भी डाउनलोड कर लेना है। तो मेरा स्कैन हो चुका है, तो मैं ये जो फ़ोन है इसका नया वाला फ़ोन इसमें से मैं शेयर कर दूँगा दो ऐप। यहाँ पे बहुत सारा है फंक्शन दिखा, मतलब जो जो है इसमें सब दिखाएगा, ठीक है। तो सबको अनचेक करके आगे जाना है। अनचेक करने के बाद सिर्फ अनचेक करना है सबको, हाँ। तो अनचेक करके ऐप जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन उसमें जाना है। पहले मैं अनचेक कर लेता हूँ सब, हाँ सब ऐप भी आप अनचेक करना पड़ेगा। तो मैं हो गया, सब कुछ अनचेक करना है। तो ऐप जो है ना, ऐप इसमें टैप करना है, यहाँ पे हम लोगों को सर्च करना है जो बताया था क्विक शॉर्टकट मेकर, हाँ। तो मैं दिखाता हूँ क्विक शॉर्टकट मेकर, मैं दो ऐप इसमें सेंड करूँगा लेकिन काम एक का ही होगा। तो आप एक ही ऐप इंस्टॉल कर लेना, वो है क्विक शॉर्टकट मेकर, सेंड करने के लिए। और जो ऐप था वो है इजी शेयर। तो इजी शेयर वीवो में तो इनबिल्ट रहता है, आप लोगों को अगर वीवो मोबाइल है तो डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना क्विक शॉर्टकट मेकर। और सीमा लॉन्चर को मैं सेंड करूँगा, लेकिन दोनों नहीं चाहिए, अब क्विक शॉर्टकट मेकर देने से ही हो जाएगा। तो मैं दोनों ऐप इसमें स्टार्ट फोन क्लोन करता हूँ, फिर गॉट इट पे करना है, हाँ फिर यहाँ पे अलाउ करना है, 100% हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे 100% डन हो गया, यहाँ पे भी 100% डन हो जाएगा। डन होने के बाद मैं दिखाता हूँ ऑटोमेटिक वो जो ऐप इसमें भेजा हूँ वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखो 100% दिखाया, डन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन है, ऊपर में हाँ इस पर टैप करना है, ऐप्स में आना है, व्यू ऐप्स। तो ऐप्स यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, तो क्विक शॉर्टकट मेकर को ओपन करना है। ठीक हो, अभी ध्यान से देखना फ्रेंड, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है फैक्ट्री टेस्ट, तो फैक्ट्री टेस्ट आ गया। देखो फैक्ट्री लिखा टेस्ट आ गया, तो तीसरा वाला में ऑप्शन आना है, 1 2 3 3 में आना है, और ट्राई में टैप करना है एक बार। यहाँ पे तीन ऑप्शन इमरजेंसी मोड खुल जाएगा, हाँ इमरजेंसी टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3, तो 3 में आना है। तीसरा वाला जो ऑप्शन इसमें आना है, और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बैक टू होम इसमें आना है। बैक टू होम कुछ नहीं करना है, बैक टू होम। यहाँ पे दो लैंग्वेज दिख रहा है, एक चाइनीज़ और इंग्लिश, तो अब जो अच्छा लैंग्वेज है वो कर लेना है, मैं इंग्लिश में कर लिया। देख फ्रेंड मैजिक जो FRP था वो बाईपास हो चुका है, बहुत आसान था ना फ्रेंड। अगर सीख के करते हो तो बहुत आसान है, ठीक है, ना सीख के करोगे तो बहुत मुश्किल है। कुछ भी कम आसान का होता है सीख के करने से। तो मॉडल देखो फ्रेंड, मैं मॉडल दिखाने की कोशिश करता हूँ, 100% 11 और इसका मॉडल Y21। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।